हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज हम आपके लिए एडमिशन अपडेट में लेकर आए हैं जेएनयू की इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है, देखा जाए मतलब आप टॉप यूनिवर्सिटी ही कहेंगे इसे, तो टॉप यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट आया है रिगार्डिंग द पीजी एडमिशंस। क्या अपडेट है? सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, jnu.ac.in, और ये ना सब अपना लैपटॉप में मोबाइल में मत किया करो रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर कई बार गलत हो जाती है। लैपटॉप में सर्च करना jnu.ac.in और यहाँ पर क्लिक हेयर कर देना, क्लिक हेयर टू द मेन वेबसाइट। अब देखो मैंने क्लिक हेयर किया तो मेरे पास ये वाला पोर्टल ओपन हुआ। क्लिक हेयर करने के बाद अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे या फिर आप यहाँ पर देखोगे कि एडमिशन का पोर्टल कहाँ पर है जहाँ से आप एडमिशन करा सकते हैं। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको इधर दिखेगा एडमिशन फॉर द पीजी प्रोग्राम। मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास ये नोटिस निकल कर आता है। इस नोटिस में उन्होंने, जो कि कल ही नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई आप अपना एडमिशन स्टार्ट कर सकते हो सीयूटी पीजी के थ्रू। आप अपना यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन करा सकते हो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। अच्छा खासा टाइम है, यू टेक योर टाइम। करना क्या है, ये लिंक ऐसे क्लिक करें। ये लिंक क्लिक करने पर ये जेएनयू की एडमिशन वाली पोर्टल ओपन होती है। आप सर्च करें JNU EE, एंट्रेंस होता है ना हमारा, तो उसके पॉइंट से इन्होंने बना रखा है .ac.in। यहाँ पर ई प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले तो आप सबको ये प्रोस्पेक्टस ना रीड आउट करना चाहिए, इसको रीड आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए। इन्होंने बता रखा है कि किसके लिए क्या एडमिशन होगा, मैं आपको वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सारी बातें बता रखी है, इंडेक्स के अंदर बता दिए कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपके पास क्या क्या कोर्सेज है, मैं आपको कोर्सेज दिखा देती हूँ। ये कोर्सेज शुरू होते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स का, ठीक है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये आगे सेंट्रल लैंग्वेजेस, लाइफ साइंसेस, ये आगे आपका लाइफ साइंसेस का, बाएगा आपका फिजिकल साइंसेस का, ठीक है। ये भी आ गया आपका दूसरा पॉलिटिकल साइंसेस, यहाँ पर आ गया कंप्यूटर वाला, और ये आपका फिजिकल साइंसेस। अगर आपको फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री विद केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपका 10+2-3 तक आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स इन द केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स कंबाइंड और इन द केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर वाला भी चलेगा और पीसीएम वाला भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज़ का बता रखा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो ओबीसी का या जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो सारा डाटा दे रखा है। इसको ध्यान से देखना सब, गलत मत करना, गलतियाँ करने में फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। मेरे को एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ीस कितना लगेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको वो शो करती हूँ क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप देखना, फिर उसके बाद हम मार्क्स आपको बताएंगे। ये फ़ीस होगी, यहाँ की फ़ीस देख सकते हो आप कितनी कम फीस है, मतलब मैंने पूरे उसमें कहीं नहीं देखा इतनी कम फीस। यू नो एमए एमएससी एमसीए की जो ट्यूशन फीस है वो 216 है, और ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हैं। और इतनी फीस तो आईआईटीज में नहीं है। स्पोर्ट्स 16 क्या आता है आजकल देख सकते हो आप। मेडिकल फीस 9 रुपीज, एडमिशन फीस ओनली 5 रुपीज है। इससे ज़्यादा तो आपका ना, अगर आप कहीं साइबर कैफे में जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं ना, उससे ज़्यादा खर्चा वो ले लेगा। तभी कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जिसने पढ़ाई करी होगी उसका आज एडमिशन हो जाएगा। एमटेक देख रहे हो 240 रुपये में, टोटल भी अगर प्लस करोगे ना 1000 नहीं बनने वाले, 1000 से कम में आपका ये करा रहे हैं, 1000 से कम में। तो मतलब भाई पढ़ लिया करो, इसीलिए कहा जाता है पढ़ा करो। तो इन्होंने फीस के बारे में बता दिया, ठीक है, और यहाँ पर एमबीए का फीस अलग दे रखा है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है, ऑल पॉइंट टू बी नॉट कि आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग द प्री एनरोलमेंट पोर्टल, अगर आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम फीस की बात करें तो एमटेक एमपीएच के लिए 280, पीजीडी के लिए जो डिप्लोमाज होते हैं 10,000, ये आपका हो गया। एमए एमएससी के लिए 268 और बाकी जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल होगा। सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन में, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रोविजनल, माइग्रेशन करेक्टर, एंटी रैगिंग और डिसकॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट, कि आपका कोई गैप सर्टिफिकेट तो नहीं है ना। गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट में जाकर, आपको कोर्ट में अगर आप जाओगे और वहाँ जाकर कहोगे कि हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो आपका बना देंगे। सीट्स को भी ज़रूर देख लेना यहाँ पर एक बार, सीट्स यहाँ पर कितनी कितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो, ये आपकी सीट्स के बारे में डाटा दे रखा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस के लिए दे रखा है, सो दिस इज़ वेरी नाइस।
तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया, रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक हमने लिंक प्रोवाइड कराया, उसमें दे भी रखा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हो JNUEE.JNU.AC.IN, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करें। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर फ़ीस अलग है, इन्होंने बता दिया फ़ीस है। अच्छा हाँ, वो GST के साथ एप्लीकेबल कर दिया ना, वहाँ पे 268 था बट उसमें GST एप्लीकेबल नहीं था, अब GST डाल के दे दिया, 300 रुपये हो गए भाई। UREWS और OBC के लिए, SC ST के लिए 150 रुपये हो गए। स्टेप के लिए रजिस्ट्रेशन का वही पुराना स्टेप है जो आप कर रहे हो, आपकी फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेंगे और आपका लेटेस्ट फोटोग्राफी लगेगा ना, बस हाँ बस यही लगेगा जी, और कुछ नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं। और बस बाकी यहाँ पर आपके करना है क्लिक और उसके बाद करना है डन। ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ यहाँ पर कौन कौन अप्लाई करे, कितने मिनिमम मार्क्स वाला, देखो ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, आप जानते हो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़, और यहाँ पर सीट बहुत कम है, यू कैन सी दैट की सीट्स बहुत ही कम है, लिटरली कम है। अगर सीट्स कम है तो भाई थोड़ा ये देखो यहाँ पर सारी सीट्स दे रखी है, मैं आपको एक बार थोड़ा दिखाई दूँ नीचे स्क्रोल, केमिस्ट्री की बता देते हैं एक बार कितनी है, बायोटेक की तो ये आ गई, एक सेकेंड, ये आपकी केमिस्ट्री की आगे, लाइफ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे तो कंप्यूटेशनल आ गया ना भाई, ये रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा, सॉरी। केमिस्ट्री की टोटल 25 सीटें हैं और फिजिक्स की 41 है और मैथमेटिक्स की 15, टोटल 25 सीट है। अब मानकर चलो कि टॉप यूनिवर्सिटी है, टोटल 25 सीट्स है। तो देखो अगर आपके यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हो और आपके 180 से ऊपर मार्क्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हो और आपके 180 से ऊपर मार्क्स हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना। 180 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी, OBC EWS जो कैटेगरी आती है, अगर आपके 170 या हाँ 170 से ऊपर मार्क्स हैं तब आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST या PWD की अगर मैं बात करूँ, 150 से ऊपर नंबर है तो ज़रूर अप्लाई करना, 150 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, क्योंकि सीटें बहुत ही कम है, देख सकते हो 2 सीटें 4 सीटें अनरिजर्व की, कम सीटें हैं, ठीक है, तो सोच समझ कर अप्लाई करना, बाकी फ़ीस बहुत कम है। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी अच्छी खासी, उनको यहाँ पर मिलेगा। क्लिक हेयर पर अप्लाई करके आपको ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है, करना कुछ नहीं है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट करके एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। यहाँ से आप अपना MA MSc और MCA का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन अलग अलग बना रखे हैं, डिप्लोमा PG डिप्लोमा का यहाँ पर है, DOP के लिए यहाँ पर है, और लास्ट डेट आपकी कब तक है, लास्ट जो डेट है वो आपकी 10 अगस्त तक है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।